साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। वाराणसी में आकांक्षा मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम अचानक से मुंबई पहुंच गई है। जी हां, पुलिस की टीम अचानक से मुंबई पहुंची, तीसरी बार मुंबई पहुंची है और फिर वहां पहुंचकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ अनुराधा सिंह की तलाश के लिए हो रहा है। और तो और, अब अनहोनी की आशंका भी जताई जाने लगी है, जिसके बाद तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। तो क्या हो रहा है मुंबई में, कैसे अचानक से पहुंच गई पुलिस, आगे क्या होगा, सब कुछ को दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में बहुत दिन से जांच चल रही है, हालांकि कुछ भी कंक्रीट नहीं हो पाया, सिर्फ जांच ही जारी है। मामला बेहद ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ तो समर सिंह इस पूरे मामले में जेल के अंदर बंद है, वहीं दूसरी तरफ समर सिंह की मदद करने का आरोप संजय सिंह पर तो लगा ही था, साथ ही साथ अनुराधा सिंह पर भी लगा था। जी हां, वही इमली सीरियल वाली मुंबई की हीरोइन अनुराधा सिंह पर। यहां तक कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने तो अनुराधा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अनुराधा को कई बार मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना तक कह दिया है। अब जहां अनुराधा हालांकि इन आरोपों को हमेशा नकारती रही है और पुलिस की मदद करने की बात भी कहती रही है, मगर अनुराधा ने सिर्फ पुलिस की मदद की बात कही, पुलिस की मदद कभी नहीं की। क्योंकि जब जब अनुराधा को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो अनुराधा पूछताछ के लिए आई नहीं। जी हां, अनुराधा पूछताछ के लिए कभी नहीं आई, यहां तक कि पुलिस के समन का जवाब भी नहीं दिया। और पुलिस एक बार नहीं, पहले भी दो बार मुंबई जाकर अनुराधा सिंह को पकड़ने की कोशिश कर चुकी है, मगर वहां पर भी पुलिस के हाथ नाकामी ही लगी। एक समन, दो समन और तीसरे समन का जवाब भी अनुराधा सिंह ने नहीं दिया। इसके बाद फाइनली पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए अनुराधा सिंह के नाम का वारंट इशू करवा लिया। जी हां, ये बड़ी खबर है, पुलिस ने फाइनली वारंट निकलवा लिया है और अनुराधा की तलाश में वाराणसी पुलिस की टीम तीसरी बार मुंबई पहुंच गई है, लेकिन इस बार पुलिस के हाथ में वारंट है, अनुराधा सिंह के नाम का वारंट है। मुंबई पहुंचते ही पुलिस की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई है। जी हां, मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी की खबरें लगातार आ रही है और अनुराधा सिंह की तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ में अनुराधा के तीन ठिकानों पर छापा मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह एक जगह पर नहीं मिली, यानी कि अनुराधा कहीं गायब हो गई, कहीं अंडरग्राउंड हो गई, ऐसी खबरें भी मुंबई से आ रही हैं। आगे देखिए, वारंट इशू होने के बाद में अनुराधा को अब गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करके वाराणसी लाया जा सकता है और वहां पहले पूछताछ होगी और फिर जरूरत पड़ेगी तो जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब अनुराधा सिंह मिलेगी और पुलिस के चंगुल में आएगी, क्योंकि फिलहाल तो अनुराधा सिंह के गायब होने की खबरें भी मुंबई से आ रही हैं। अब कहानी में यहां पर बड़ा ट्विस्ट भी है, पुलिस टीम यहां पर काफी सख्त फैसला भी ले सकती है। जी हां, अनुराधा को बड़ा खतरा भी बताया जा रहा है अगर वो सामने नहीं आती और पूछताछ में शामिल नहीं होती, लिहाजा अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसे में पुलिस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पुलिस खुद बेहद परेशान हो चुकी है। तीसरी बार वाराणसी पुलिस की टीम मुंबई आई है और इस बार तो पुलिस के हाथ में वारंट भी है, यानी कि पुलिस के हाथ में एक अलग ताकत भी है, इसीलिए पुलिस कोई भी बड़ा एक्शन ले सकती है। हो सकता है कि अनुराधा सिंह जहां पर मिले वहां पर पुलिस की तरफ से गोलाबारी तक की जाए, अनुराधा को डराने के लिए, अनुराधा को सरेंडर करवाने के लिए ये बड़ा कदम भी पुलिस की तरफ से उठाया जा सकता है। तो कुल कर अब अनुराधा सिंह के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई है और अब बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा और नया हो सकता है। आकांक्षा दुबे केस में बड़ा एक्शन एक बार फिर से हो सकता है, जिस तरह से समर सिंह को लाया गया था, हो सकता है जल्द ही अनुराधा सिंह को भी वाराणसी की जेल में लाया जा सकता है। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
दोस्तों, एक माँ कितनी मजबूत होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। हर युग में माँ का ओहदा इतना बड़ा इसीलिए बनाया गया है। ये मधु दुबे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आकांक्षा की माँ मधु दुबे चट्टान की जितनी मजबूत है, जिन्हें ना तो पैसा डिगा पाया, न जान से मारने की धमकियां, न हमले और न ही किसी की पावर। मधु दुबे 26 मार्च से लगातार आकांक्षा के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। आकांक्षा जहाँ भी होगी उसे अपनी माँ पर फख्र हो रहा होगा। अब उन्हीं मधु दुबे ने डीएनए रिपोर्ट को लेकर हैरानी भरा खुलासा कर दिया है। जी हां, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने साफ साफ कह दिया है कि पुलिस इसीलिए डीएनए रिपोर्ट को छिपा रही है क्योंकि उसमें समर सिंह का नाम आ चुका है। जी हां, सूत्रों की माने तो एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में मधु दुबे ने ये सनसनीखेज खुलासा करके हर किसी को हैरान कर दिया। तो वाराणसी से आ रही खबरों के मुताबिक मधु दुबे ने कहा कि मुझे पता है कि डीएनए रिपोर्ट में क्या है और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उस रिपोर्ट में समर सिंह का नाम है। समर सिंह ने ही मेरी बेटी के साथ वो सब गंदा काम किया और जब मेरी बेटी ने विरोध किया होगा तो उसे मार डाला और फिर वो वहाँ से भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधु दुबे का कहना है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 25 मार्च की रात को जब मेरी बेटी पार्टी से आई थी तब उस कमरे में पहले से समर सिंह मौजूद था। मधु दुबे ने कहा कि होटल की सीसीटीवी को गौर से देखा जाए तो संदीप सिंह पहले कमरे के बाहर ही खड़ा था और फिर अचानक वो तेज गति में कमरे के अंदर गया था। या तो उसे कुछ ऐसी आवाज आई थी या फिर वो भी साजिश का हिस्सा था क्योंकि वो जिस तरह अचानक कमरे के अंदर गया वो कई सवाल खड़े करता है। मधु दुबे का कहना है कि पुलिस रिपोर्ट क्यों छिपा रही है, आखिर पुलिस किसे बचाना चाहती है? पुलिस का वश चलता तो अब तक समर सिंह आजाद घूम रहा होता। अगर यूपी के मुख्यमंत्री ने इस केस में दखल ना दिया होता तो वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को अब तक विदेश में फरार करवा दिया होता। मधु दुबे का कहना है कि हम एक बार फिर से सरकार से दरख्वास्त करने जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि मेरी बेटी की जांच जल्दी करवाई जाए और पुलिस जो आरोपियों का शुरू से साथ दे रही है उस पर भी डंडा किया जाए, सख्ती की जाए। मधु दुबे का कहना है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, वो खुली हवा में सांस ले रहा है और धीरे धीरे एक दिन समर सिंह भी बाहर आ जाएगा। क्या यही कानून है? क्या किसी की हत्या करने वाले ऐसे आजाद घूमेंगे? हमारे देश का कानून इतना कमजोर तो नहीं हो सकता? मधु दुबे का कहना है कि मेरी यूपी सरकार और केंद्र की सरकार से विनती है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में मदद करे और वाराणसी पुलिस पर चाबुक चलाए ताकि जांच में तेजी आए। और सबसे बड़ी बात, उस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है, क्यों रिपोर्ट छिपाई जा रही है? रिपोर्ट की सच्चाई बाहर आनी चाहिए ताकि देश का हर इंसान जान सके कि आकांक्षा दुबे के साथ गलत करने वाला कौन था, मेरी बेटी को मारने वाला कौन था। तो वाकई में रिपोर्ट की सच्चाई बाहर आनी चाहिए। क्या वो समर सिंह है, संजय सिंह है या फिर अरुण पांडे या संदीप सिंह? आखिर किससे मैच हुआ है सैंपल? आकांक्षा के साथ 25 मार्च को दरिंदगी करने वाला कौन था वो? ये सब बाहर आना चाहिए। तो आपका मधु दुबे की बातों पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।